हमारे सभी दर्शकों को संजय भूषण पटियाला की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रचार प्रसार का भोजपुरी में लगा रहता हूँ, भोजपुरी को जितना आगे से आगे हो सकते बढ़ाऊँ। और भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी फिल्में आज के डेट में पेंडिंग में रहती है फाइनेंस को लेके। तो उसी लिए आज एक नई कंपनी अजय शुक्ला फिल्म एंड इंटरटेनमेंट कंपनी का शुरुआत हुआ है। और ये अजय शुक्ला जी बेसिकली गुजरात यूपी से बिलोंग करते हैं, गुजरात के भी कह सकते हैं, उनको यूपी के भी कह सकते हैं, उनका जन्म यूपी में हुआ है और कर्म जो है ना गुजरात में हुआ। और बॉम्बे में सिनेमा लाइन में कुछ अपना योगदान दे रहे हैं, भोजपुरी से काफ़ी लगाव है अजय जी को। अजय जी को, गजानन चतुर्वेदी जी को और अरुण दुबे को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना कदम आगे बढ़ाएं, और ऐसे कई फिल्म निर्माताओं को आगे उठाने का प्रयास करेंगे अपनी कंपनी से, जिनके पास फिल्में बनने के बाद कुछ पैसों के कारण फिल्में नहीं रिलीज हो पाती है। और काफ़ी ऐसे हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो कुछ चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम में हमेशा जूझते रहते हैं, उस चीज़ों को भी इन्होंने सॉल्व करने का बीड़ा उठा रहे हैं। और आज उनको शुभकामना देने के लिए पूरे फिल्म जगत के निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, हीरो हीरोइन यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो तहे दिल से सभी को हमारे भोजपुरी जगत को बधाई हो, क्योंकि यहाँ पर कोई जल्दी आगे आता नहीं, कई फाइनेंस कंपनियाँ खुली बंद हो गई। और मुझे उम्मीद है कि ये आज नई कंपनी खुली है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और आगे बढ़े। भूषण जी, आप हमेशा नए कलाकार को मोटिवेट करते रहते हैं, क्या कारण है आप हमेशा से नए कलाकार को मोटिवेट करते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, एक नए कलाकार का अगर मोटिवेशन नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो सिनेमा जगत सीमित हो जाएगी। गिन चुन के दो चार हीरो की गिनती आती है भोजपुरी सिनेमा जगत में जो कंटिन्यूटी में लगे रहते हैं। अगर इन लोगों का दौर खत्म हो जाएगा तो आगे कौन होगा? उन लोगों को ट्रेन करना, उन लोगों को पब्लिसिटी के दे के पूरे दुनिया में, देश दुनिया में उन लोगों को और जानकारी देता हूँ कि उन लोगों को भी कोई फिल्में लेके बनाए। क्योंकि आज के समय में अगर 50 प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं तो हीरो चार है, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? एक महीना में तो एक ही फिल्म शूट होती है, अब 12 महीने में 12 होगा, तो चार हीरो है तो बादशाह का 48 होता है, फिल्में बनती है 100, तो और कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा भोजपुरी फिल्म जगत में हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोइन सब इन्वॉल्व हो और आगे बढ़े। और जो उन लोगों को भी हम लोग मौका देते हैं जिनके पास टैलेंट है लेकिन कोई लिंक नहीं मिल पाता है, तो मुझसे जो संपर्क करेगा उन लोगों को बहुत आगे हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो संजय जी, अगर मुंबई की बात की जाए तो लोग बोलते हैं मकान होना बहुत जरूरी है, तो आपने एक घर भी ले लिया है, और लोगों के जैसे सलमान खान की शादी लोगों के लिए बनी हुई है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय, तो वैसे ही आपकी शादी भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आज भी कुछ लोगों ने बोला है, तो क्या आप कब शादी करें, अब घर ले लिया, आपने शादी का कब तक प्लानिंग है आपकी? ये तो मैं नहीं कह सकता कब शादी होगा, कब क्या होगा, जब ऊपर वाला चाहता तभी हो सकता है। और रही बात घर की, तो कल मैं एक बॉम्बे में अपना एक घर लिया हूँ, सबका सपना होता है रोजी रोटी और मकान, तो रोजगार तो मैं भोजपुरी सिनेमा जगत में कर रहा हूँ, उससे रोटी खाता हूँ। अब रहने के लिए एक जगह चाहिए, जगह हो गया, अब जोरू की जरूरत है तो कभी ना कभी आएगी, जब ऊपर वाला चाहेगा आ जाएगी अपने आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। क्या क्वालिटी चाहिए आपको? कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, बस ऊपर वाला बना के भेजता हूँ, जहाँ होगी वहाँ से मैं पकड़ लूंगा उसको। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी में अच्छे कंटेंट नहीं बनते, लेकिन आप जो फिल्मों को लेते हैं पीआर गिरी में, उसकी कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो, आतंकवादी हो, हर कोई फिल्म अच्छी से आप जुड़ते हैं, क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जब एक नया प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आता है तो उसको काफ़ी चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो हम लोग सबसे पहले जब उसके साथ जुड़ते हैं तो हम लोग बताते हैं कि क्या आप चीज़ बनाइए तो बिकेगा। क्योंकि सपोर्टर, अगर आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो आपके 1 करोड़ डूब जाएगी। उसको अगर फिल्म बनाने से पहले मार्केटिंग समझ लीजिए, फिल्म कितने में बिकेगी, क्या होगी, तो आपका लॉस नहीं होगा, जितना लग रहा है उसके ऊपर ही आपको आता है। अगर आप ढंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा तो आपका डूबेगा, सिंपल है। तो हम लोग सब उन नए निर्माताओं को हमेशा सलाह देते हैं कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए, वैसे करनी, और पर एक पीआर का काम ही होता है सलाह देने का। खेसारी को आपने नंबर वन बना दिया, क्या कहना चाहिए? खेसारी को मैंने कभी नंबर वन नहीं बनाया, खेसारी अपने आप में नंबर वन है आज के डेट में भोजपुरी फिल्म जगत में, नंबर वन वो अपने टैलेंट और अपने किस्मत के दौलत चल रहा है। मैं तो सिर्फ एक
पब्लिसिटी करता हूँ जो आप लोगों हमारे दर्शक सुनते हैं खेसारी कर क्या रहा है आजकल में। अभी लखनऊ में उनकी फिल्म मुकद्दर की शूटिंग चल रही है। संजय जी, जब आपके पास फिल्म आती है कोई तो उसका स्क्रिप्ट देखकर आप फिल्म का पीआरसी उठाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता कि फिल्म का स्क्रिप्ट देखकर, क्योंकि भोजपुरी में सब नए होते हैं और जब मैं स्क्रिप्ट अगर देखना शुरू हूँ तो राइटर क्या करेगा, जिसका जो काम है वो करता है। मेरा कोई भी चीज़ हो, वो खराब हो अच्छा हो, मुझे सिर्फ ये रहती है कि उसको पब्लिसिटी करके फिल्म को जितना ज़्यादा हाईलाइट करना है। संजय जी, आपने छोटे से गांव से बम्बई के शहर से अपना अपना एक सक्सेसफुल करियर आपने कर लिया है, क्या मैसेज देना चाहिए युवाओं के लिए जो बिहार हो यूपी से आते हैं बम्बई में, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? हर एक आदमी छोटा ही होता है, वो मेहनत के करने के बाद ही बड़ा होता है। मैं भी 10 साल से मुंबई में ऐसे पीआरसी काम कर रहा हूँ और बहुत संघर्ष करने के बाद आज मैं थोड़ा बहुत लोग मुझे भी जानने लगे हैं। अगर संजय जी बात किया जाए, जब से मुख्यमंत्री योगी बने हैं यूपी में सब गेरुआ रंग दिख रहा है, आज आपने भी गेरुआ कलर की टी शर्ट पहन ली, क्या कारण क्या है? जो अच्छा काम करेगा वो गेरुआ पहनता है। आप बाबरी मस्जिद फिल्म के पीआरओ हैं, फिल्म जो है सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है और बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर एक जो डिपार्टमेंट होता है अपना, सेंसर का एक डिपार्टमेंट है, सेंसर जो ले कुछ कदम उठाया, कुछ सोच समझ के उठाया, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, अभी वो पिक्चर बहुत ज़्यादा गर्म है जिसके डायरेक्टर देव पांडे जी हैं और हमारे हीरोज़ में हमारा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है, तो उन लोग उस चीज़ के लिए उसके निर्माता हैं, जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत गए तभी अच्छा है, मैं उसकी पब्लिसिटी करूँगा, हार गए तभी पब्लिसिटी करूँगा। और आजकल चैनल पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ बाबरी मस्जिद। सर, क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल का वो फिल्म की जो निर्माता है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उनके कारण ये फिल्म को रोका गया? हो सकता है कि वो एंटी पार्टी के, हो सकता है इसलिए पिक्चर रोक दिया गया, ये भी हो सकता है। लेकिन बाबरी मस्जिद फिल्म को जो रूमर्स आया हुआ है कि ये बैन हो गई है, बैन हुई है या उसको फिर से सेंसर बोर्ड देखेगा? और दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के लिए जब कोई फिल्म रुक जाती है तो उसमें पीआरओ का क्या रोल रह जाता है, क्या वो नकारात्मक या सकारात्मक, क्या सोच लेके उसकी पब्लिसिटी करता है? देखिए, जब सेंसर बोर्ड का क्या कहना है ये मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, और जहाँ तक लोग बोल रहे हैं बैन कर सेंसर के, सेंसर कभी बैन नहीं कर सकता कोई फिल्म, सेंसर का सिर्फ काम है ए बी और सी ग्रेड का देना, तो वो उसने अभी तक जो फिल्म देखा है उसने उसको डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को बता चुका है क्या करना है आगे, अगर वो काट छाट को देते हैं तो पिक्चर का पास करेगा। उसने बोला है टाइटल चेंज करने के लिए, कुछ डायलॉग है उसको हटाने के लिए, अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजी हो जाएगा तो पिक्चर कल रिलीज हो जाएगी टाइटल चेंज करके। और रही बात बैन की, तो कोई ऐसा न्यूज जो भी फैला है गलत है कि कोई पिक्चर बैन नहीं हो सकती, सेंसर कभी बैन नहीं कर सकता। रणनीति क्या होगी अगर ट्रिब्यूनल पास नहीं करता तो, आप कोर्ट क्या राय? हमारे निर्माता उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जिसका नाम धीरेन्द्र चौबे जी, अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।